ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm Hg. 50 ग्राम ऑफ यूरिया यूरिया होता है इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग. तो दो बातें पूछी गई हैं हमसे. प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है 298 केल्विन पे, उसमें 50 ग्राम यूरिया डाला है 850 ग्राम वाटर में. तो सॉल्यूशन जो बन गया उसका वेपर प्रेशर पूछा है आपसे और रिलेटिव लोअरिंग पूछी है ना. ये 850 ग्राम वाटर है, इसका जो वाटर को हम ए मान लेते हैं, पी ए नॉट कितना है इसका 23.8 mm. इसमें आपने 50 ग्राम यूरिया डाला तो इसका पहले तो पी ए पूछा है कितना है, फिर रिलेटिव लोडिंग पूछी है. ये क्वेश्चन सिंपल सा है तो कर लेते हैं. तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, इसको ना बी मान लेते हैं हम यूरिया को. यूरिया को बी मान लो, वाटर को ए मान लो. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया गिवन मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया. 50 ग्राम दिया है, मोलर मास यूरिया का 60 होता है तो 5/6 आ गया. फिर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यह आएगा गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर. कितना है भाई इसका, 850 अपॉन 18, ये 425/9 आ गया. अब आपसे क्या पूछा है, हाँ तो एक्स ए निकाल लो फिर. एक्स ए आएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी. सो 425/9 डिवाइडेड बाय 425/9 प्लस 5/6.
तो ये आ रहा है पॉइंट 983, एक्स इतना आ रहा है। तो फिर पी ए क्या हो जाएगा, रॉल्स लॉ लगा दो, रॉल्स लॉ लगाएंगे तो पी ए आएगा पी ए नॉट एक्स ए। पी ए नॉट कितना था, 23.8, 23.8 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट 983 ये आ जाएगा 23.4 mm Hg। तो सॉल्यूशन का आ गया फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आपसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो एक्स भी ही होगा ना, तो 1 माइनस एक्स है, सो 1 माइनस 0.983 ये आ जाएगा 0.017। सो ये आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 bar। नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 gram when added to 39 gram benzene, benzene का मोलर मास दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 bar। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। तो देखो जब सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास पूछा जाए ना, तो वो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए वाला फॉर्मूला यूज करने से कैलकुलेशन आसान होती है। तो क्या दिया हुआ है, प्योर बेंजीन है भाई, कितना है 39 ग्राम, 39 ग्राम बेंजीन है C6H6। इसका इसको हम ए मानेंगे बेंजीन को, पी ए नॉट 0.85 bar।
इसमें क्या डाल दिया, 0.5 ग्राम बी डाल दिया सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर बोला कि पीए हो गया 0.845 ग्राम। अब पूछा है ये मोलर मास कितना था इसका जो बी डाला था हमने, तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब सारे चीज़ पता है हमको, देखो पी ए नॉट कितना है 0.85, पी ए कितना है 0.845, पी ए है 0.845, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या है, गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मतलब बेंजीन का, गिवन मास ऑफ बेंजीन इनटू मोलर मास ऑफ बेंजीन ए, सो ये आ जाएगा 0.005 अपॉन 0.845 इज इक्वल टू कितना डाला हमने 0.5 ग्राम। मोलर मास इसका पता नहीं है, ए का मोलर मास बेंजीन का 78 और 39 ग्राम डाला है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 169 ग्राम आएगा। एनसीईआरटी में ना ये फॉर्मूला जो है ये अप्रॉक्सीमेट करके दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट कर दिया उसने यहाँ पे, तो उसने क्या किया है ना असल में, देखो ये रिलेटिव लोअरिंग होता है पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, ये रिलेटिव लोअरिंग है, होता तो ये इसका इक्वल है एक्स बी के। उसने क्या माना कि भाई एन बी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एन ए, तो इसलिए फिर पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, सॉरी या नॉट है इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। तो ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है, एग्जैक्ट ये वाला है, ये एग्जैक्ट है, ये अप्रॉक्सीमेट एन सी आर टी में ना अप्रॉक्सीमेट यूज करके ही सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, इसलिए आंसर में फर्क आ जाता है, तो मैंने एग्जैक्ट किया यहाँ पे, 169 आंसर आ गया। तो इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रेड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो हमको ऑक्टेन दिया हुआ है, ऑक्टेन होता है C8H18, इसको हम A मानते हैं, इसका मान लो प्रेशर पी ए नॉट है,
इसमें आपने कोई तो डाल दिया, डब्ल्यू बी डाला, पता नहीं कितना डाला, डब्ल्यू बी सॉल्यूट डाल दिया बी, तो इसका जो वेपर प्रेशर था वो 80% हो गया, मतलब पी ए है वो 0.8 टाइम्स पी ए नॉट हो गया। तो कितना डब्ल्यू बी डाला आपसे ये पूछा गया है। तो अगेन ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ऊपर वाला फॉर्मूला बहुत काम आता है। सो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। पी ए नॉट कितना है, पी ए नॉट है, पी ए है 0.8 पी ए नॉट, 80% हो गया ना, अपॉन 0.8 पी ए नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ऑन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ऊपर आएगा एम ए। सो ये आ गया 2/8, और डब्ल्यू बी पता नहीं हो तो पूछा है आपसे, मोलर मास कितना बी का, 40। बेंजीन का कितना आपने लिया, सॉरी ऑक्टेन है ना, ऑक्टेन 114 ग्राम लिया है। और मोलर मास ऑक्टेन का 114 ही होता है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10 ग्राम सॉल्यूट आ जाएगा।